ये जगह भारत के इतिहास में आपको दिखाई दे रहा। हमारे चारों तरफ ये खंडहर कौशाम्बी जिले के कड़ा मानिकपुर जगह में स्थित है। ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा है, जिसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने, यही कारा जगह है जिसे अब कड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर कर दी थी। मित्रों, इस मकबरे में हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर समाधियां बनी हुई हैं। ये समाधि स्थल है जलालुद्दीन खिलजी का। ये खंडहर, यहाँ 7 किलोमीटर के दायरे में तमाम खंडहर इस ऐतिहासिक निशानी आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये देख सकते हैं। खंडहर रूप में है, करती थी। यहां से ही एक बड़े शासन को संचालित किया जाता रहा है। ये भारत के इतिहास में एक बर्बर शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या के उपरांत उनका बनाया गया समाधि स्थल है। ये जगह वो समाधि स्थल है। इस जगह में तमाम सिपहसालार दफनाए गए। एक अजीब सी वीरानी यहाँ फैली हुई है। एक गूंज है, आप दोस्तों इस मकबरे में, इस खंडहर में आकर हमें एक गूंज सुनाई देती है, विश्वासघात की, रिश्तों के घात की, ऐसे विश्वासघात की जिस जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अपनी बेटी से ब्याह कराया, उसी भतीजे ने सत्ता और गद्दी के लालच में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या यहाँ कारा के रेत में धोखे से उसकी नमाज पढ़ते वक्त गर्दन काटने का काम किया है। ऐसे दिल्ली सल्तनत के मुखिया जलालुद्दीन खिलजी की यह समाधि स्थल आप देख सकते हैं। मौके पर आकर हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। दोस्तों यहाँ पर तमाम समाधियां बनी हुई हैं। यह सुल्तान के सिपहसालार रहे होंगे, जो उनमें सुल्तान में आस्था रखने वालों को उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मौत के घाट उतारा, उनकी भी यहाँ, उन्हें भी यहाँ दफनाया गया, उनकी भी समाधियां यहाँ बनी हुई। इस जगह को हमने कैमरे में अनेक कोणों से लेकर आपको दिखाने की कोशिश करी,
कि बर्बर शासन का जब अंत होता है तो कैसे सन्नाटे और वीरानी में बर्बरता को कायम करने वालों की दशा होती है, दुर्दशा होती है। आज इस जगह पर जो सन्नाटा, जो वीरानी है, वो विश्वासघात की वीरानी है। ये तमाम समाधियां जो सुल्तान की सल्तनत में आस्था रखते होंगे, तो सुल्तान के साथ साथ उनकी भी हत्या कर दी गई, उनको भी सुल्तान के साथ यहाँ दफनाया गया। उनकी समाधियां खंडहर रूप में यहाँ परिस्थित है। हमने ये जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा आपको दिखाया, ये उनके शासन के समय अपनी भव्यता को प्राप्त हुआ होगा।